कैसे आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आज की कहानी से हम यही कहना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था, क्या मैं राजा क्यों बना? यह बात से वह अक्सर परेशान रहता था। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा, जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्न का उत्तर दे सकें। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था, इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां वह महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है, वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है, वह कुछ ही देर में मरने वाला है, मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला, वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो दो महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और आज वह अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोचकर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं मरने की कगार पर हूं, किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। अपने इस कहानी से क्या सीखा? कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। और एक चीज कर सकते हो, हमें सब्सक्राइब।